स्कैम 1992 भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम जिसको सिर्फ एक इंसान ने अंजाम दिया था और वो है हर्षद शांतिलाल मेहता। हर्षद मेहता जिसको इंडियन स्टॉक मार्केट का द बिग बुल नाम से भी जाना जाता है, उन पे सन 1992 में बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5,000 करोड़ फाइनेंशियल फ्रॉड के इल्जाम में 25,000 रुपए फाइन और 5 साल जेल की सजा सुनाई थी। एक्चुअली में वो एक फ्रॉड था ही नहीं। हर्षद मेहता का सिर्फ एक ही कसूर था कि उन्होंने इंडियन बैंक्स का अनयूज्ड पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट को बढ़ाने में लगाया था, पर इससे सिर्फ हर्षद मेहता को ही फायदा नहीं हुआ था बल्कि पब्लिक ने भी बहुत सारे पैसे कमाए थे। हर्षद मेहता ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आसमान के बुलंदियों पर जाकर बैठा दिया था, जिसकी वजह से लोगों का पैसा हजार का लाख और लाख का करोड़ तक हो चुका था। हाँ, वो बात अलग है कि हर्षद मेहता की वजह से मार्केट बाद में क्रैश भी हुआ था, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सारे मीडिया वाले, सीबीआई, इनकम टैक्स, बैंक्स और हर कोई हर्षद मेहता के पीछे नहा धोकर पड़ चुका था। पर ये सारे लोग उस चीज के पीछे पड़े हुए थे जो कि एक्चुअली में स्कैम था ही नहीं, क्योंकि अगर हर्षद मेहता बैंक से पैसा उठाता भी था तो उसी पैसे को वे ब्याज के साथ लौटा भी देता था। हाँ, मानता हूँ कि उनका बैंकों से पैसे उठाने का तरीका गलत था, पर उनकी वजह से कभी भी ना तो किसी बैंक का और ना ही आम जनता का पैसा डूबा। एक्चुअली में फ्रॉड तो वो है जो कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग करते हैं। बैंकों का पैसा उठाकर विदेश भाग जाना एक्चुअली में रियल फ्रॉड है। आज राकेश झुनझुनवाला अपने आप को इंडियन स्टॉक मार्केट का द बिग बुल मानते हैं, पर जब तक हर्षद मेहता मार्केट में था तब तक राकेश झुनझुनवाला को कोई जानता भी नहीं था। राकेश झुनझुनवाला के सक्सेस के पीछे भी हर्षद मेहता का बहुत बड़ा रोल है। हर्षद मेहता का बर्बादी ही राकेश झुनझुनवाला की कामयाबी का सीक्रेट है, क्योंकि जब 1992 में हर्षद मेहता की गिरफ्तारी हुआ था तब मार्केट ऑल टाइम डाउन गिर चुका था। जिस अपॉर्चुनिटी को राकेश झुनझुनवाला ने पहचान लिया और अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये गिरावट सबसे बड़ा है और यहां से मार्केट अगर बढ़ा तो हजार का करोड़ भी हो सकता है। हर्षद मेहता जितने ही स्पीड से कामयाब हुआ था उतने ही स्पीड से बर्बाद भी हो गया। ऐसा माना जाता है कि उनको बहुत सारे लोगों ने साजिश करके बर्बाद किया है। इनकम टैक्स वालों ने उन पर 10,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड का इल्जाम लगाया था, जबकि उनका पूरा संपत्ति का वैल्यू भी 10,000 करोड़ रुपए का नहीं था। इस स्कैम में उस टाइम के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का भी नाम आया था, पर इसके खिलाफ कोई सबूत ना होने के वजह से कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया गया। सरकार इसको इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम मानता है, पर मैं तो कहता हूँ कि ऐसे स्कैम्स बार बार होनी चाहिए जिसकी वजह से देश का अनयूज्ड पैसा स्टॉक मार्केट को बढ़ाने में और देश के जनता को डायरेक्ट फायदा पहुँचाने में हो।